So let me start today's lecture. Biche humne already inductive effect ke upar stability of cations aur anions ko padha hai. Theek ab dekho dhyan do. Theek ab hum baat karenge acidic and basic character based on what you can say this particular inductive effect. To ab hum baat kar rahe hain acidic character and basic character. Acidic and basic character. ठीक, acidic and basic character on the basis of inductive effect. देखो बेटा, acidic basic character करने से पहले सबसे पहले हम acidic character की बात करेंगे, फिर basic character की बात करेंगे. तो देखो बेटा, acids क्या होते हैं, quickly समझ लो थोड़ा सा. एसिड्स क्या होते हैं? ठीक, पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर बच्चों हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे. पहले एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. देखो बेटा, एसिड के लिए जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज ऑल अबाउट एसिडिक हाइड्रोजन. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आगे बार 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 आपका करूंगा मैं. इसलिए अगर यहां ध्यान से समझ लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो बेटा, सबसे पहली बात, हमारी दुनिया में चार तरह के हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक कहलाते हैं. हमारी दुनिया में चार तरह के हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं. और वो एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन. नंबर टू, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन. नंबर थ्री नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन. और नंबर फोर, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन. ठीक, ये चार तरह के हाइड्रोजन जो होते हैं दे आर एसिडिक हाइड्रोजन. ये चार तरह के हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं बेटा. ठीक, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो इजिली गिवेबल हो, और ये चार ही है, फ्लोरिन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा. दीज आर ऑल एसिडिक हाइड्रोजन वी हैव. और जिस पे कंपाउंड में इस तरह का कोई हाइड्रोजन पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि वो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, ठीक, या फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो, या फिर फ्लोरिन से जुड़ा हो, जनरली दे एक्ट एज एसिड्स. वो एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं. करते हैं कि नहीं करते वो एक अलग बात है, बट दे कैन एक्ट एज एन एसिड. क्लियर होगी बात? जैसे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास कौन कौन से एसिड हो सकते हैं. देखो, HF में तो खैर चलो ये तो अलग ही चला गया. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में O के साथ लगा हुआ H या तो प्रेजेंट होगा एल्कोहल में, या प्रेजेंट होगा एल्कोहल में. इसी तरह से बेटा एल्कोहल में फिनोल भी आ जाती है, वो अलग बात हो जाएगी, या फिर फिनोल में. ठीक है जी, इसी तरह से एल्कोहल हो गया एसिडिक, फिनोल हो गए एसिडिक, या फिर इस तरह से करें तो हमारे पास आर सी ओ ओ एच हो गए एसिडिक. ठीक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ओ से जुड़ा है, यहां तक कि अमीन और अमाइन्स आर सी ओ एन एच टू, इसमें नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें एसिडिक जरूर है बेटा. और तीसरे हो गए टर्मिनल एल्काइन्स, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच. ठीक, ये टर्मिनल एल्काइन्स, ये भी एसिडिक होते हैं बेटा. बट इनमें क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की पावर ज्यादा होती है, तो जनरली एसिड से ज्यादा दे बिहेव लाइक बेस. तो हालांकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, इससे कोई स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो एच निकाल लेगा, इसको एसिड की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर देगा, बट अदरवाइज दे बिहेव एज बेस. तो हमारे को जो एसिडिक करेक्टर पढ़ना होता है यहाँ पर, वो या तो एल्कोहल का, या फिनोल का, या कार्बोक्सिलिक एसिड का. एसिटिलीन का एसिडिक करेक्टर इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर. ठीक है बच्चों, अब एसिडिक करेक्टर पता कैसे चलता है? देखो, अब हमारे को समझ में आ गया कि कहां कहां पर एसिडिक होगा, कहां कहां पर नहीं होगा. ठीक है बच्चे, बेसिकली देखो, ये एल्कोहल जो है, एल्कोहल एसिडिक होती है, एल्कोहल्स आर समवट एसिडिक. ठीक, फिनोल्स आर एसिडिक,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड, अमीन्स आर बेसिक मेनली, क्योंकि इसका बेसिक करेक्टर इसके एसिडिक करेक्टर को सुपरसीड कर जाता है, और अमाइड्स आर एम्फोटेरिक, दे कैन बिहेव एज एम्फोटेरिक, दे कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. एंड एल्काइन्स, दो दे आर एसिडिक, लेसर एसिडिक देन वाटर, दैट इज वेरी क्लियर, बट दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज समवट एसिड. क्यों? एसिड का पता कहां से चलता है हमें? हमें कैसा पता चलेगा कि जो गिवन स्पीशीज लिखी जा रही है वो एसिड ही है? बेटा मेटल के साथ रिएक्ट करवा, किसका? मेटल का. मेटल का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना, सोडियम से रिएक्ट करवा दो तो जो सोडियम के साथ हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा वो एसिड होगा. जो सोडियम के साथ हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा वो एसिड होगा. जैसे HA एक एसिड था, कोई भी HA एसिड था. अब इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने बनाया NaA और बाहर का लिबरेट करवा दिया हाइड्रोजन. तो जो हाइड्रोजन लिबरेट करवाए ठीक विद मेटल वो एसिड होगा. समझ में आई? और इन सब के हाइड्रोजन लिबरेट हो जाते हैं मेटल के साथ, इसलिए दे ऑल बिहेव एज एसिड्स. भले ही हमारे पास अमीन को मैंने बेसिक लिखा है क्योंकि इसका बेसिक करेक्टर सुपरसीड्स इट्स एसिडिक करेक्टर, और मैंने अमाइड को यहां पे एम्फोटेरिक लिखा है, बट बेसिकली दे कैन बिहेव एज एसिड्स. क्लियर हो गया? ऐसे एसिड का पता चलता. तो आगे जाके ना जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पे जाएंगे तो हमारे को ना जो एक आते क्वेश्चन बेटा सीरीज वाइज क्वेश्चंस आते हैं. उस सीरीज वाइज क्वेश्चन में क्या होता है, बोलते कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम टू लिबरेट हाइड्रोजन. समझ लेने का उसमें एसिडिक हाइड्रोजन वो एसिड है. सो दैट कैन बी अल्कोहल फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटिलीन. ठीक, दे मे बी अमीन और अमाइड, बट ये मेजर चार तो है ही है. अब देखो बेटे किसी एसिड पे बचपन से पढ़ते हैं यार, अगर एक एसिड है HA, एसिड उसी को बोलेंगे जो वाटर में अपना H पॉजिटिव देता हो. जब ये H पॉजिटिव देता है तो H3O पॉजिटिव बनाता है और A नेगेटिव बनाता है बेटा. क्लियर? ये तो सिंपल सी बात है. और हम जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उसको बोलते थे Ka. Ka is H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कंसंट्रेशन. ठीक, समझ में आती है ये बात? अब हम यहां से पढ़ते जितना Ka ज्यादा होगा उतना ये रिएक्शन, उतना मतलब Ka ज्यादा का मतलब ये ज्यादा यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में यानी H देना इजी, तो मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ. तो हम यहां से समझते हैं मोर इज Ka, मोर इज Ka, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ. जितना Ka ज्यादा होगा बेटे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. मोर इज Ka, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ. और बेटा इक्विलिब्रियम चैप्टर में तुम्हें यह भी पढ़ाया कि हमारे पास क्या होता है कि pKa इज माइनस log ऑफ Ka, क्योंकि बेटे जो Ka होता है ना मेरे बच्चे उसकी पावर 10 की पावर जो होती है नेगेटिव में होती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको आपस में कंपेयर करना. तो हम उस पावर को आगे लाने के लिए उसका माइनस लॉग कर देते हैं और क्या निकाल लेते हैं पीके. और पीके बड़ा कंपेरेबल है, पीके इज वेरी इजीली कंपेरेबल, बट पीके माइनस लॉग ऑफ Ka से उल्टा है. तो यहां पे हम ये समझ लें कि मोर इज pKa, लेसर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, लेसर इज एसिडिक स्ट्रेंथ. जितना pKa ज्यादा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है. ठीक है बच्चे, ये काम आपने इक्विलिब्रियम में करना, यहां करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं होती है. ठीक, क्लियर? अब देखो बेटे बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ Ka देखना है या pKa देखना है किसका ज्यादा है. उसके लिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा होना चाहिए. फॉरवर्ड में ज्यादा होगा ये बना इसका कॉन्जुगेट बेस. H देने के बाद क्या बना? कॉन्जुगेट बेस. तो ये कॉन्जुगेट बेस है बेटा, कॉन्जुगेट बेस. जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा या लेस डिस्टेबलाइज्ड होगा वो रिएक्शन उतना आगे और एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा. क्या बोला? जिसका हमारे पास कॉन्जुगेट बेस
इज मोर रिजोल्व मोर स्टेबलाइज्ड, ये रिएक्शन उतना फॉरवर्ड में और उतना ही स्ट्रॉन्ग हो, क्या होगा, एसिड हो जाएगा मेरे बच्चे। बात समझ में आती है कि पिछली भी चले जाती है। जैसे अगर मैं मान लो फिलहाल के लिए इसमें डिस्कस करता हूं इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक है मेरे पास आर ओ एच, दूसरा है मेरे पास आर इज अल्काइल ग्रुप, माइंडेड आर इज अल्काइल ग्रुप, दूसरा है फिनोल, ठीक, तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, चौथा मैं वाटर इसलिए ले रहा हूं कि कंपैरिजन वाटर के साथ कर रहे हैं, कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, वाटर के साथ, क्योंकि वाटर में अगर बेटा वाटर ज्यादा आसानी से एच देता होगा तो रिएक्शन वापिस आ जाएगा, ये फिर एसिड की तरह बिहेव करेगा बेस की तरह, तो मतलब वाटर के साथ कंपैरिजन है, ठीक, इसलिए मैंने वाटर भी ले लिया और आगे ले लिया एसिड भी। चलो अब मैंने इनका बेसिस एसिड लगाना, तो बेटे सबसे पहली बात है मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा। अब बेटे कॉन्जुगेट बेस जो होगा ना वो कब बनेगा, एच दे के, मान लो इसने एसिड की तरह बिहेव किया एच पॉजिटिव दिया तो इसका कॉन्जुगेट बेस बना आर ओ नेगेटिव, ठीक है जी। इसी तरह से बेटे जी अगर ये टूटा हमारे पास, इसने अपना एच पॉजिटिव दिया तो इसने क्या बनाया, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव, ठीक है बच्चे। अब ये टूटा तो इसने अपना कॉन्जुगेट बेस बनाया R C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, ठीक है जी। ये टूटा और उसने अपना कॉन्जुगेट बेस बनाया कौन सा, O H नेगेटिव, ठीक, और ये टूटा तो इसने अपना कॉन्जुगेट बेस बनाया बेटे जी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी वन नेगेटिव, ठीक है बेटा। ये सारे कॉन्जुगेट बेस बन गए, ये सारे क्या बन गए, कॉन्जुगेट बेस। और बेटे इक्विलिब्रियम ने आपको समझाया स्ट्रॉन्गर इज द कॉन्जुगेट बेस, जितना कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना वीक एसिड होता है, और वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, क्लियर जी। आपने ब्रॉन्स्टेन लॉरी कंसेप्ट पढ़ा होगा ना, ब्रॉन्स्टेन लॉरी कंसेप्ट कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा ठीक वो एसिड वीक होगा, वो एसिड वीक होगा। अब देखो भाई बेस क्या होना चाहिए, बेस वो जो इलेक्ट्रॉन दे, बेस वो जो इलेक्ट्रॉन दे, और इलेक्ट्रॉन कौन दे अगर उसके ऊपर क्या हो बहुत सादा, ये अनायन है। अब मान लो इसके ऊपर R का यानी अल्काइल ग्रुप का क्या है, प्लस आई, प्लस आई पे, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तुम्हारे लिए ऐसे लिख देता हूं, ठीक है बेटा, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो इस प्लस आई की वजह से ये अनायन इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, स्ट्रॉन्ग बेस इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक एसिड, तो भैया ये वीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर ये जो ओ है, दो बातें, या तो आप ऐसा बोल लो बेंजीन रिंग का माइनस आई, क्योंकि अभी तक तो माइनस आई पड़े हो, तो बोलो बेंजीन रिंग का कैसा होता है, माइनस है, डबल बॉन्डेड है ना, तो एस करेक्टर ज्यादा ही होगा, तो बेटा माइनस आई शो करता है, बेंजीन रिंग शोस माइनस आई। और दूसरी बात, इसमें रिजोनेंस भी होनी है बेंजीन रिंग की वजह से, बेंजीन रिंग की वजह से रिजोनेंस भी होनी है, ठीक, तो मोर रिजोनेंस से अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं वीक बेस, तो ये वीक बेस है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग पे मूव कर रहे हैं ड्यू टू रिजोनेंस, ऊपर से माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस आई से भी खींचेगा, रिजोनेंस की वजह से भी इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे, आगे देने मुश्किल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, जो इलेक्ट्रॉन देता नहीं
जो इलेक्ट्रॉन देता नहीं बेटा वो बेस होता नहीं। तो ये बेस वीक है, अगर बेस वीक है एसिड स्ट्रॉन्ग है। समझ में आई बात? अब यहां देखें, यहां पे एक तो इस पूरे ग्रुप का माइनस आई है, जो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है भाई, समझते हो ना कि ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, s करैक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा। और दूसरी बात, यहां के इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में भी है, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां के यहां जाएंगे, रिजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन, और इसका माइनस आई भी है, सो मेकिंग इट मोर स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी आसानी से ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये वीक बेस है। और बेटे देखो, ध्यान देना, इधर तो अकेले कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये इससे भी वीक बेस है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन दो दो है, यहां एक ही था भाई, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इससे भी, मैंने यहां पे वीकर बेस लिखा, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड लिखूंगा, वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये ठीक है, ये ना बहुत वीक है, ठीक, इट्स अ ओके ओके बेस, ठीक है जी, ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत वीक, बट इसके मुकाबले थोड़ा वीक है, क्योंकि यहां तो प्लस साइन देने वाला है, यहां तो नहीं है ना प्लस साइन देने वाला, तो थोड़ा एल्कोक्साइड के मुकाबले ये थोड़ा वीक बेस है। तो ये एसिड जो है ये ओके ओके एसिड है, यानी इससे स्ट्रॉन्ग लेकिन इनसे वीक। और ये तो भैया आप देखो यहां पे एस करेक्टर क्या हो गया, एसपी, एस करेक्टर इज वेरी हाई, है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखे होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता है ऑब्वियसली बात होती है वो बहुत वीक बेस होता है, ठीक। तो ये भी एक वीक बेस है, पर ऑन द अदर हैंड बेटा यहां कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है सिर्फ ऐसे, और बाकी सब जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है। जस्ट बेटा 1 सेकंड, Now, we were discussing, कि देखो बेटा यहां पे ये जो है एसिटिलीन का ये जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट हमारे पास इनके मुकाबले, इन सब के मुकाबले, इन सब के मुकाबले सबसे वीकेस्ट बेस होना चाहिए, ठीक, राधर हम ये बोले स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए, इन सब के मुकाबले स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि सिंपल बात, यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं देने हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने देने हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने देने हैं, यहां इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने देने हैं, और भैया यहां किसने देने हैं, कार्बन ने, बोलो ऑक्सीजन आसानी से देगा कि कार्बन आसानी से देगा, कार्बन आसानी से देगा, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो दिस बिकम द वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड। दोबारा समझ लो बेटे, यहां एस करेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, बट यहां इलेक्ट्रॉन देने हैं ऑक्सीजन ने, और यहां इलेक्ट्रॉन देने हैं कार्बन ने, कार्बन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, दस दिस इज वीकेस्ट एसिड। अब इसके हिसाब से अगर सोचा गया तो हमने ये देख लिया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो गया बेटे हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसका वीकर बेस स्ट्रॉन्गर एसिड, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, आफ्टर कार्बोक्सिलिक एसिड वी हैव फिनोल, ठीक, आफ्टर दैट वी हैव वॉटर, ठीक, क्योंकि ये तो फिर भी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद एल्कोहल्स, एंड लास्टली इट इज एल्काइन्स। तो बेटे जब हम एसिडिक करेक्टर देखते हैं यहां पे, ठीक, यहां माइनस प्लस साई थोड़ा बहुत चला है, ठीक, ये प्लस साई की वजह से ऐसा हुआ, यहां माइनस आई की वजह से स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक। तो बेटे ये ऑर्डर रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, ठीक, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ एसिटिलीन। अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स,
ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले क्या डिस्कस करेंगे, अल्कोहल्स। तो बेटा ये लिख लिया आपने, चेप लिया फटाफट, और समझ में आ गया सभी बच्चों को, यस लिखें प्लीज। चलो शाबाश। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, एंड सिमिलर इज द एसिडिक करेक्टर ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक सेम ही रहेगा, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं होता बेटा इसमें। चलिए अब है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स। देखो बेटे, अगर अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव करते तो अल्कोहल को वाटर में डाला जाता और अल्कोहल बनाते OR नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, वैसे मैं यहां पे यही क्लियर कर देता हूं कि ये इक्विलिब्रियम ज्यादा बैकवर्ड है देन दैट ऑफ फॉरवर्ड। इसका मतलब कि हमारे पास H3O पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन वापिस ज्यादा रहता है। ठीक है जी, कहने का मतलब अल्कोहल एसिड देन दैट ऑफ, एक ये एसिड है इसमें जो है, या फिर बैकवर्ड में ये है। ठीक, ये थोड़ा वीक एसिड है बच्चे और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चे। क्यों, ये एच देने के बाद अपना चार्ज खत्म करेगा ना, चार्ज खत्म करना तो स्टेबिलिटी होती है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि H3O पॉजिटिव is stronger acid than that of alcohols, इसलिए हमने बोला कि alcohols are weaker than water, ये इसको H देना कम देंगे तो ये weaker than water होगा। ठीक, तो therefore हम बोल सकते हैं alcohols are weaker acid than water, but बेटे एक बात समझ लो, यहां पे एक pitfall है, ये pitfall समझना बहुत जरूरी है जो बहुत कम लोग तुम्हें बताएंगे। हमने ये तो बोल दिया कि अल्कोहल था वीकर एसिड देन वाटर, लेकिन मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर एंड अदर अल्कोहल्स आर वीकर देन वाटर। मिथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्गर एसिड एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ KA। ठीक, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि KA ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर, is more than water, इसलिए water के मुकाबले methyl alcohol stronger है, लेकिन बाकी alcohols weak है। This depends upon dissociation constant। ठीक, तो methyl alcohol का dissociation रहा होगा। अब देखो बेटा, बाकी alcohols ये तो clear हो, हमें इस anion की stability देखनी है। जितना stable ये anion होगा, उतना reaction forward में होगा, और जितना फॉरवर्ड में होगा उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो हमें इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है, इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक, स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, स्टेबल इज द कॉन्जुगेट बेस, मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। और बेटा यहां कॉन्जुगेट बेस अनायन है, तो स्टेबिलिटी किसके देख रहे हैं, अनायन की। तो हम ये बोल सकते हैं कि एज कॉन्जुगेट बेस इज एन अनायन, क्योंकि बेटा कॉन्जुगेट बेस एक अनायन होता है। एज conjugate base is an anion, क्योंकि conjugate base एक anion होता है, और anion की stability किससे होती है, withdrawing group से। therefore withdrawing group
therefore withdrawing groups. Therefore withdrawing groups. Stabilize. Stabilize the anions. Heek. As conjugate base is an anion, and therefore withdrawing groups stabilize the anions, and hence increases acidic strength. तो मेरे दोस्तों जितना ज्यादा withdrawing group लगेंगे acidic character उतना ही ज्यादा होगा, यहां से clear हो जाता है. और वही बात माइनस आई पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल CH3OH, दूसरा CH3CH2OH, तीसरा CH3CH2CH2OH. तो बेटे देखो जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा, इसका प्लस आई लेस, इसका प्लस आई मोर, इसका प्लस आई और भी मोर. और जितना प्लस आई ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम. विड्रॉइंग ग्रुप तो माइनस आई शो करता है ना भाई, तो जितना प्लस आई ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम. तो ये हमारे पास इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया. वेरी सिंपल लॉजिक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं. बोलो क्लियर हो गया कि नहीं. अब देखो बेटा इसी में हमने बोला जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी. मान लो CH3CHNO2 और CH2OH है, दूसरा CH3CHCN CH2OH है, CH3CHCl CH2OH है बेटा, और यहां पे CH3CH CH3CH2OH. तो ऑटोमेटिकली हम सिर्फ अनकॉमन चीज को देखते हैं बेटा. अनकॉमन यहां पे क्या है, नाइट्रो, इसका माइनस आई वेरी स्ट्रॉन्ग. यहां पे क्या है, साइनाइड, माइनस आई स्ट्रॉन्ग, वेरी से थोड़ा कम. ठीक, और इसका माइनस आई ओके ओके मॉडरेट. ठीक, और यहां तो प्लस आई. तो भैया विड्रॉइंग ग्रुप इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे, इंक्रीज. एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रह गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को, है क्या. इसी तरह से अगर मैं ऐसा ले लेता CH3CH3OH टर्शियरी अल्कोहल, फिर बोल देता CH3CH CH3OH क्या होता, सेकेंडरी अल्कोहल, फिर ले लेता CH3CH2OH क्या होता, प्राइमरी अल्कोहल. ऑब्वियस सी बात थी कि टर्शियरी अल्कोहल में ये तीन प्लस आई एडिटिव, प्लस आई प्लस आ ही गई प्लस आती चली गई. ठीक, और यहां पे सिर्फ दो ही बार प्लस आई. ठीक, और यहां एक ही बार आई, तो भैया यहां ज्यादा आई ना, ज्यादा आई तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करवाई. तो भैया ये ज्यादा ऐसे, ये कम और भी कम. अब ऐसे ही आप बहुत सारी चीजों के आंसर दे सकते हैं, आई थिंक सो. ठीक, अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि क्योंकि अब आपने माइनस आई तो पढ़ ही लिया है, CH3CH2CH2CHNO2OH, दूसरा बोल देता CH3CH2CHNO2, ठीक है जी, और CH2OH, और तीसरा बोल देता CH3CHNO2CH2CH2OH. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप क्या आंसर देते कि कौन ज्यादा एसिडिक, जल्दी जल्दी लिख दो, शाबाश, अच्छे से जल्दी क्विकली. क्या ऑर्डर देते फटाफट. हमने पढ़ा था कि भैया जो जितनी पास होगा माइनस आई वाला उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर, ये उससे वीकर, ये सबसे वीकर. जितना विड्रॉइंग ग्रुप दूर होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास कम होगा, ये तो क्लियर ही है, ये तो क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई.
तो चलो फिर दिक्कत, ये तो बेटा छोटे बच्चे भी कर लेंगे ना कि विड्रॉइंग ग्रुप एसडी करेक्टर को कम करेंगे, ठीक, रिलीजिंग ग्रुप एसडी करेक्टर को ज्यादा करेंगे, उल्टा बोल दिया, विड्रॉइंग ग्रुप एसडी करेक्टर को ज्यादा करेंगे और रिलीजिंग ग्रुप एसडी करेक्टर को कम करेंगे, क्लियर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन पिटफॉल्स जो, देखो बेटा ये तो तुम अब समझ गए हो, लेकिन जो मेरी विशेषता है जिससे ये होगा कि आपको गलती नहीं करनी पड़ेगी पेपर में, वो करवाना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए थोड़े से पिटफॉल इधर देख लें, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिटफॉल में मेरे को दे दिया CH3 CHCl CH2OH, दूसरा है CH3 CHOH CH2OH और तीसरा है CH3 CHCN CH2OH, ठीक है। अगर हम माइनस आई की बात करें तो हमें यह समझ में आता है दिस इज माइनस आई, कॉमन वाले को नहीं देख रहे, अनकॉमन को देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो शोइंग माइनस आई एंड दिस वन इज ऑल्सो शोइंग माइनस आई, दिस इज मॉडरेट माइनस आई, आपको पता ही है हैलोजन का मॉडरेट होता है, और OH जो होता है वीक माइनस आई शो करता है, और ये वीकेस्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है साइनाइड का, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई में से। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक्सपेक्टेड ऑर्डर लगाते हो तो क्या लगाते हो, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या लगाते हो बेटे? देखो एक्सपेक्टेड ऑर्डर बेसिकली अगर इस हिसाब से लगाया गया है तो 3 सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बाद हमारे पास 1 होना चाहिए क्योंकि OH से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद हमारे पास 2 होना चाहिए जहां पे OH का माइनस आई वीक है। बोलो बेटे यहां तक तो समझ में आ जाती है कि नहीं आती है भाई? आई जाती होगी, ठीक, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर हमने पाया कि 3 तो चलो अपनी जगह पे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 2 इज स्ट्रॉन्गर देन 1 हो गया बेटा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया कि 2 इज स्ट्रॉन्गर देन 1, हालांकि वीकर होना चाहिए था पर स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया भाई, क्या वजह है बेटे? देखो बच्चे ध्यान इधर और समझना शुरू, क्या है कि क्लोरीन का माइनस आई थोड़ा मॉडरेट ही है, इसका तो बहुत स्ट्रॉन्ग है पर ये मॉडरेट है, पर यहां क्या था, यहां 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन थे, देयर वर 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स, यहां से भी जा सकता था यहां से भी जा सकता था, बिकॉज ऑफ 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स, आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स, इट्स Ka becomes more, क्योंकि वॉटर यहां से तोड़ लेगा, यहां से कहीं से भी ज्यादा चांसेस है भाई, तो क्या हो गया इसमें 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन होने की वजह से इस वीक माइनस आई से ये सुपरसीड कर गया, क्योंकि ये माइनस आई मॉडरेट था, यहां 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन होने की वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। पर साइनाइड में ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? बेटा साइनाइड का माइनस आई बहुत ज्यादा है यार, तो 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन इसको सुपरसीड नहीं कर पाए यार। तो सर एक बात बताओ, हमें क्या सपना आएगा यार,
कि भाई कहां पे सुपरसीड करेगा कहां नहीं करेगा, आप रट्टे मरवाओगे क्या? नहीं बेटा, ध्यान रखना साइनाइड नाइट्रो एंड CX3 वेयर एक्स इज हैलोजन, साइनाइड नाइट्रो हैलोजन, ये तीन ऐसे ग्रुप्स हैं मेरे बच्चों, ये तीन ऐसे ग्रुप है जो बहुत स्ट्रॉन्ग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई एंड दे सुपरसीड, बेसिकली ये सुपरसीड कर जाते, ये वाले माइनस आई सुपरसीड कर जाते भाई, दीज माइनस आई कैन सुपरसीड। तो यानी ये समझ लेना अगर दो OH है बाकी कोई भी ग्रुप लगा तो उसका एसिडिक्शन कम है सिवाय नाइट्रो साइनाइड और CX3। बोलो मेरे भाई अब कोई पिटफॉल जिंदगी में रहेगा अल्कोहल में? क्विकली बोलो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई समझ में आया कि नहीं आया? ओके ओके, तो नेक्स्ट बार अब हम अगली कहानी करेंगे, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, ये तो हमने पढ़ा किसका, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सारा क्लियर हो गया हमारे को। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। देखो बेटा अल्कोहल की जगह अब हम आ गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात हमें पता है अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं वेरी इजीली कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो RCOOH है, जब उसको वाटर में डालते हैं दैट गिव राइज टू RC double bond O, O negative and H3O positive, ठीक है? जब हम बात करते हैं RC double bond O, O negative की, तो यहां पे हालांकि अभी अपन रेजोनेंस नहीं पढ़े बट येट ये तो हमें पता ही है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में भी करवाती है, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो इसमें रेजोनेंस हो जाती है, ये अनायन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है, यानी रिजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इट विल बी लाइक दिस, ये दो रिजोनेंट स्ट्रक्चर, तो हम इसको बोलते हैं ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसके बारे में आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। फिनोल भी मैंने इसलिए नहीं की, फिनोल में रिजोनेंस इफेक्ट ज्यादा लगता है देन दैट ऑफ माइनस आई, तो वो रिजोनेंस में पढ़ेंगे हम। तो यहां रिजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से, इसकी वजह से हमारे पास अगर हम देखें तो जो हमारा व्हाट यू कैन से ये वाला स्टेबलाइज होने की वजह से दिस बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड इवन देन वाटर इवन देन अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग हो गए, ये हमने पहले पढ़ लिया था, अभी आगे भी कर लिया हमने, ठीक है जी, क्लियर है जी। अब बात वही है, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो अब तो ये दिमाग में डाल लो, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लियर? विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे, रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे। जैसे मान लो पहली बात HCOOH, दूसरा हमारे पास है CH3COOH, तीसरा है भाई CH3CH2COOH, तो ऑब्वियस सी बात है भैया यहां कोई ग्रुप नहीं, यहां प्लस आई, यहां पे स्ट्रॉन्गर प्लस आई, और प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, तो कार्बन का नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कार्बन का नंबर बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेसर इज एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लियर? अब वहीं पर अगर ऐसा होता NO2CH2COOH, ClCH2COOH, ठीक,
CH3CH2COOH. तो वेरी क्लियर, देखो ये कॉमन चीज को मत देखा करो, अनकॉमन को देखो. अनकॉमन यहां पे क्या है, माइनस आई स्ट्रॉन्ग, माइनस आई ये स्ट्रॉन्ग है और यहां पे थोड़ा सा मॉडरेट माइनस आई है और यहां बेटे आपके पास प्लस आई है. तो माइनस आई विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ऑर्डर ये रहेगा भाई, इसमें कोई शक नहीं है. इसी तरह से अगर CH2F CH2COOH, दूसरा CH2Cl CH2COOH, तीसरा CH2 यहां पर Br CH2COOH, और ऐसे अगर I भी होता तो बेटा फ्लोरीन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ क्लोरीन देन दैट ऑफ ब्रोमीन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर अगर मैं ऐसे लिख देता CCl3 CH2COOH, दूसरा CHCl2 CH2COOH, तीसरा CH2Cl CH2COOH, देखो बेटे इसका मतलब यहां तीन तीन क्लोरीन, यहां दो क्लोरीन, यहां एक क्लोरीन. तो बेटा क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मोर आर द विड्रॉइंग ग्रुप्स, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. सो ऑर्डर इज दिस, ऑर्डर इज दिस, क्लियर. इसी तरह से बेटे आप ये सब कुछ कर सकते हैं. मान लो आपको दे दिया CH3 CH2 CHCl COOH और फिर दे दिया CH3 CHCl CH2 COOH और फिर दे दिया बेटा CH2Cl CH2 CH2 COOH. अब मेरे बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ लगा दो, यार अभी तो लगा ही दोगे, विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास उतना स्ट्रॉन्ग एसिड. लो जी ये सिंपल वाले टूने टोटके तो अब आप आराम से कर सकते हैं, है ना भाई. जितने विड्रॉइंग ग्रुप, जितने स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा. यार ये तो सारे बच्चे कर लेते हैं, तो क्या खास किया तुमने, या मेरे पास टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो यार. ठीक, एक ऑर्डर और लगा दो फिर हम आगे चलते हैं. ठीक, एक और लगा दो CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, CH3 CH2 COOH. अब लगाओ बेटा, देखो बच्चे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. More is the S character, more is the withdrawing power. More is the S character, more is the withdrawing power. तो बेटा जी ये ज़्यादा strong acid, ये weaker, ये weaker. बोलो यहाँ तक चलेगा कि नहीं चलेगा? Obviously चलेगा यार, कैसे रोकोगे, चलना ही पड़ेगा. ठीक, परंतु अभी ध्यान देने का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर कर सकूं मेरे बच्चों. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, इसकी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड थे. ये क्या थे, ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड थे. ठीक, प्लीज ध्यान दीजिएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसमें दो कार्बन एटम, दो एसिडिक ग्रुप होते हैं. जिसे पहला आ गया बेटे आपके पास COOH, COOH, इसको प्यार से ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं. गुस्से से बोलना हो तो इथेन डायोइक एसिड, यानी आयुपेक नेम है ना, अदरवाइज ऑक्सैलिक एसिड. ऐसे ही अगर हमने ऐसा लिख दिया, ये बेटा मेलोनिक एसिड, ये भी प्यार वाला नाम है, कॉमन नेम मेलोनिक एसिड. ऐसे ही बेटे अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये है सक्सिनिक एसिड,
सक्सिनिक एसिड। एक्चुअली डायोइक एसिड तो मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर होंगे, ये तो श्योर है, दो दो विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहां पे हमारे पास इन दोनों के बीच में कोई भी सी नहीं है, यहां पे एक कार्बन है, तो इसका प्लस साइन तो है जो ये नहीं था, यहां नहीं था, यहां दो दो है तो प्लस साइन और भी स्ट्रॉन्गर है। तो बेटा ऑक्सैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन मेलोनिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन सक्सिनिक एसिड। ठीक है जी, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक, वही प्लस साइन आ रहा है यार, मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं। लेकिन मैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके क्यों आया आपको, सी हियर बेटा, एक होता है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड क्या होता है, COOH, CH डबल बॉन्ड CH COOH। बेटा इस बीमारी को अपन मैलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक, और मजे की बात इसी बीमारी को फ्यूमेरिक एसिड भी बोलते हैं। है ना भाई, सर एक चीज के दो दो नाम, राम और श्याम, एक्चुअली दोनों भाई हैं, जुड़वा हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, कैसे, जो बेटा मैलिक एसिड है ये बड़ा भाई है, एक मिनट पहले पैदा हुआ। ठीक बेटे, आगे जाके आप पढ़ोगे मेरे साथ आइसोमेरिज्म, और आप लोग जानते हो सीजन ट्रांस क्या होता है। तो मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड एक सिज फॉर्म होती है, यानी उसमें डबल बॉन्ड के सी वाले दोनों ओ सी ओ एच एक साइड और एच एक साइड, तो बेटा ये सिज फॉर्म होती है। और जो इसका जुड़वा भाई एक मिनट बाद पैदा होने वाला फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड, जैसे मैलिक एसिड इज अ सिज फॉर्म, मैलिक एसिड इज अ सिज फॉर्म एंड फ्यूमेरिक एसिड इज अ ट्रांस फॉर्म। ट्रांस का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप ऑपोजिट, यानी यहां पे देखिएगा COOH और यहां पर COOH, ऑपोजिट हो गया भाई, यहां H यहां H है, ये दोनों सेम है, बट बेटा मैलिक एसिड सिज फॉर्म है, फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस फॉर्म है। अब सेम चीज है तो क्या इनका एसिडिक करेक्टर सेम होना चाहिए, यार यही मजे की बात है। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि के ए वन फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मैलिक एसिड का इज मोर देन फ्यूमेरिक एसिड, यानी बेसिकली हम ये बोल सकते हैं मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमेरिक एसिड। क्यों भाई, देखो जब मैलिक एसिड टूटेगा तो H पॉजिटिव देगा, तो मेरे पास यहां बनेगा C, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, और यहां डबल बॉन्ड C, यहां पे C डबल बॉन्ड O, O H, ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, इस साइड H, इस साइड H, कुछ नहीं थोड़ा अंग्रेजी में लिखा है COOH और COO नेगेटिव, यहां कैच दे दिया, पर उसकी वजह से क्या हुआ ना, ये O नेगेटिव और ये बहुत पास आ गए, इनमें आपस में बन गया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बनने को बोलते हैं कीलेशन, लड्डू टीचर इसको बोलते हैं चीलेशन, तुम क्या बोलोगे, कीलेशन, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना है इस कीलेशन, यहां रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और कीलेशन की वजह से दिस इज मोर स्टेबल, तो ये आयन ज्यादा स्टेबल हो गया, जबकि अगर ये आयनाइज होता, प्लीज सी दिस,
ये आयनाइज होता तो भैया यहां पे सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड सी यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच यहां एच यहां एच ओ ये तो ट्रांसफॉर्म ये तो हुई लिख दी अपने को ट्रांसफॉर्म लिखनी है ना इसकी तो यहां ये और यहां पर ये बेटा ये ट्रांसफॉर्म बन गई इसकी बेटा क्या इसमें कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ठीक सो नो किलेशन क्योंकि यहां किलेशन नहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तो इतना स्टेबल नहीं इस वजह से मैलिक एसिड पहला एच आसानी से देता है तो मैलिक एसिड का Ka1 स्ट्रॉन्गर यानी मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ फ्यूमैरिक एसिड बोलो एम आई क्लियर और नॉट क्योंकि पहला एच देने के बाद यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो पहला एच देना इजी हो गया जबकि यहां स्टेबल नहीं है तो के वन मैलिक एसिड का ज्यादा है इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमैरिक एसिड बट बेटे जब आप के ए टू की बात करते हो के ए टू दूसरा डिसोसिएशन तो हमने पाया मैलिक एसिड का कम और फ्यूमैरिक एसिड का ज्यादा यानी एक एच देने के बाद मैलिएटाइन बिकम्स वीकर एसिड क्यों बेटे देखो अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो अगला एच देना मुश्किल है भाई क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जबकि यहां पे ये एच देना एच तो वही देना जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है एसिडिक हाइड्रोजन देना है ना भाई ये वाला थोड़ी दे देना है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो मैलिक एसिड के आयन से अगला एच निकालना मुश्किल है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इस एच को निकालना इजी है इसलिए Ka2 उल्टा हो गया फ्यूमैरिक एसिड का ज्यादा हो गया मैलिक एसिड का कम हो गया यानी इसका आयन इज वीकर एसिड जबकि ये अपने आप स्ट्रॉन्ग एसिड था ये स्ट्रॉन्ग एसिड था लेकिन इसका आयन वीकर एसिड है ये वीक एसिड था लेकिन इसका आयन स्ट्रॉन्गर एसिड है यानी Ka1 मैलिक एसिड का ज्यादा होता है क्योंकि पहला एच देने के बाद वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और किलेशन करता है और स्टेबल कर देता है अपने आप को जबकि फ्यूमैरिक एसिड में ऐसा नहीं होता ठीक और यही प्रॉब्लम है कि भैया अगला एच देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए दूसरा के ए फ्यूमैरिक एसिड का यानी दूसरा एच देना फ्यूमैरिक एसिड का इजी है Then that of mannic acid. Quickly बोलो yes or no समझ में आया कि नहीं आया Quickly yes or no. Okay, very good बेटा. चलिए. Now ये तो था acidic strength पे. अब चलेंगे बच्चों basic strength पर. ठीक. Basic strength of amine. ठीक. Unfortunately time थोड़ा कम है. तो जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे बाकी अगली बार देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ किसका पढ़ना है हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ना है अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स मैंने बोला था ना कि अमीन का बेसिक करेक्टर उसके एसिडिक करेक्टर पर सुपरसीड कर जाता है पहली बात सर अमीन बेसिक क्यों होते हैं देखो भैया अमीन के ऊपर क्या होता है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर पड़ा हुआ होता है तो इट कैन डोनेट अ लोन पेयर
डोनेट अ लोन पेयर, और बेटा लोन पेयर डोनेट करने वाला क्या कहलाता है? लुईस बेस। लुईस बेस। दूसरी बात, अगर लोन पेयर किसी पे भी होता है वो एच पॉजिटिव भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो इट कैन एक्सेप्ट एच पॉजिटिव, एक्सेप्ट एच पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है जी, लोन पे डोनेट करता है तो लुईस बेस की तरह है, और बेटा एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है तो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह है बच्चे। तो इट कैन एक्ट एज लुईस बेस एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। ये लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग इसके सामने क्या है। ये लुईस ऐसी एक्ट करेगा कि लुईस बेस एक्ट करेगा कि ब्रॉन्स्टेड बेस, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। देखो बेटा, मीडियम दो तरह का होता है, मीडियम दो तरह का हो सकता है, मीडियम यानी जिसमें इसको रखा, दो तरह का हो सकता है। एक होता है एप्रोटिक, एप्रोटिक मीडियम, एप्रोटिक मीडियम। नाउ व्हाट द हेल इज एप्रोटिक यार? एप्रोटिक जो प्रोटोन नहीं देता, डू नॉट गिव प्रोटोन, जो प्रोटोन नहीं देता वो एप्रोटिक होता है बच्चों। ठीक, जैसे बेंजीन, जैसे CCl4, जैसे CS2, जैसे DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्लोरोबेंजीन, ये सारे के सारे सॉल्वेंट तो है, एसीटोन, ये सारे के सारे सॉल्वेंट तो है पर ये प्रोटोन नहीं देते भाई। डीएमएफ डीएमएसओ अभी चिंता नहीं करो, ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, आगे रिएक्शंस में बता दूंगा। ठीक, तो ये बेंजीन, ये सब एप्रोटिक, ये प्रोटोन नहीं देते। और वहीं पे दूसरा मीडियम होता है जिसको बोलते हैं प्रोटिक मीडियम, प्रोटिक मीडियम। अब प्रोटिक मीडियम जो एच पॉजिटिव देगा, ठीक, यानी विच गिव्स एच पॉजिटिव, ठीक है जी, gives H positive, तो H positive देने वाले जैसे कि water, जैसे कि acetic acid, जैसे कि alcohol, ये सारे H देने वाले हैं, ये protic medium है। अब बेटा देखो, जहां A protic है, proton मिलना ही नहीं, तो proton accept कैसे करेंगे? तो A protic में amines behave as amines, A protic में amines, proton तो नहीं ले सकते, A protic मतलब proton है ही नहीं, तो proton लेगा नहीं, क्या करेगा? Donate electron, तो amines donate electrons and hence behave as Lewis base। A protic medium में Lewis base है, और protic medium में बेटे ये प्रोटोन एक्सेप्ट भी करता है, प्रोटोन देने के लोन पेयर भी देना पड़ेगा ना, तो लोन पेयर देता भी, प्रोटोन एक्सेप्ट भी करता है, तो इन प्रोटिक मीडियम अमीन, ठीक, ऐसे समझ लो कि आर एन एच टू था, प्रोटिक मीडियम से एच पॉजिटिव मिला, उसने एच पॉजिटिव एक्सेप्ट किया और एन एच थ्री वन पॉजिटिव बना लिया। ठीक, तो इन प्रोटिक मीडियम अमीन behave as proton लेने वाला क्या होता है? Bronsted base, पर काके proton लेने के लिए lone pair तो देना ही पड़ेगा ना, तो Lewis base तो है ही है, and Lewis base very important, और ये question competition में direct पूछा गया बेटा। ठीक, ऐसे पूछा गया क्लोरोबेंजीन में अमीन बिहेव एज
क्लोरोबेंजीन इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट. एक प्रोटिक के स्पेलिंग ठीक कर लेना, प्रोटिक लिख दिया गलती से, तो जज्बात में बह जाता बंदा, क्या करे. प्रोटिक सॉल्वेंट, तो देखो बेटा ए प्रोटिक सॉल्वेंट वो जो प्रोटोन नहीं देता, उसमें ये लुई स्पेस से सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और प्रोटिक में ये एच पॉजिटिव देगा, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस तो है ये, पर उसने लोन पेयर भी दिया तो लुई स्पेस भी होगा. तो ये ध्यान में रखना है मेरे भाई. तो चलो सबसे पहले आज तो आपको ए प्रोटिक मीडियम का बताता हूं, क्योंकि प्रोटिक के लिए अभी समय बचा नहीं, तो मैं पहले ए प्रोटिक के बारे में आपसे डिस्कस करता हूं. मिटा दूं इसको, सो वी आर डिस्कसिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन ए प्रोटिक मीडियम, इन ए प्रोटिक मीडियम, इन ए प्रोटिक मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ अमीन की करनी है ए प्रोटिक मीडियम में. ए प्रोटिक मीडियम में लोन पेयर देने हैं, बात सिंपल बात, यानी लुई स्पेस कैरेक्टर देखना है. लुई स्पेस प्रोटॉन कौन देगा या इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा, ठीक. लुई स्पेस जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे. इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होंगे, जब रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे, तो प्लस आई गिविंग ग्रुप्स, प्लस आई गिविंग ग्रुप्स एक विच आर रिलीजिंग ग्रुप्स, रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस, इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ. एक प्लस आई गिविंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है जी, अगर हमारे पास ए प्रोटिक मीडियम होता है. अभी सिर्फ ए प्रोटिक की डिस्कशन में मैं आपके साथ बात कर रहा हूं. जैसे बेटे मान लो मेरे पास एक तो आ गया CH3, CH2, CH2NH2, दूसरा हो गया CH3, CH2NH2 और तीसरा हो गया CH3NH2. तो छोटा सा बच्चा भी बता लेगा अब कि इसका प्लस आई बहुत ही ज्यादा है, इसका प्लस आई लेस है और इसका प्लस आई लीस्ट है. तो जिसका प्लस आई ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस ऑर्डर ये रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए. इसी तरह से देखिए, अगर मेरे पास ये, ध्यान देना प्लीज, एक ये है, इसको प्राइमरी अमीन बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन का बेटे एच रिप्लेस कर दिया जाए CH3 यहां लिखें तो सेकेंडरी अमीन होता है, और वहीं पर बेटे जी अगर मैं एन का अगला एच भी रिप्लेस कर दूं तो टर्शियरी अमीन, यानी अमीन का प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नेचर कार्बन पे नहीं, नाइट्रोजन पे होता है, बिकॉज अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव. अमीन किस पे डिपेंड करते हैं, अमोनिया पे, तो अमोनिया के कितने एच रिप्लेस हुए उसके हिसाब से अमीन लगाए जाते हैं, क्लियर. तो एक एच रिप्लेस हुआ तो प्राइमरी, दो एच रिप्लेस हुए सेकेंडरी, तीन हुए रिप्लेस टर्शियरी. अब इसमें सिर्फ इसका एक ही ग्रुप माना जाएगा ना, बड़ा जरूर है बट एक ही ग्रुप है. यहां पे दो प्लस आई आ गए, ये भी और ये भी, और यहां तीन प्लस आई आ गए, मजा ही आ गया. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास टर्शियरी अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन सेकेंडरी व्हिच इज स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी. माइंड इट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ए प्रोटिक मीडिया राइट नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोटिक मीडियम, वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्रोटिक मीडियम. तो ए प्रोटिक मीडियम में टर्शियरी इज स्ट्रॉन्गर देन सेकेंडरी स्ट्रॉन्गर देन, ठीक. अब देखो बेटा, अगर ऐसे दिया हो, प्लीज सी दिस, ये है, ये है
ये है बेटा एच सभी के साथ जुड़ा है, दिखाए ना दिखाए उससे फर्क नहीं पड़ता, जुड़ा सबके साथ होता है। नाइट्रोजन की तीन वैलेंसियां पूरी होनी चाहिए। अब इसमें बोला बेसिक स्ट्रेंथ, तो भैया दिस इज मोर देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, दिस इज मोर देन दिस, व्हाई इज इट सो सिंपल। यहां पे एक दो तीन चार पांच कार्बन, यहां एक दो तीन चार कार्बन, यहां एक दो तीन कार्बन, यहां सिर्फ दो कार्बन, तो ऑटोमेटिकली मोर आर द कार्बन मोर इज द प्लस साइन। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन बहुत ही खास बात तुम्हें बता रहा हूं, ये कोई बताएगा हजारों में से एक बंदा, ठीक। इधर ध्यान देना, जब तो टर्शियरी ज्यादा था, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। अब मैं तीन कंपाउंड बना रहा हूं, ठीक। पहला कंपाउंड मैंने बनाया ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है पर टर्शियरी अमीन है। दूसरा कंपाउंड मैंने बनाया ताकि टर्शियरी अमीन है, ये इथाइल ग्रुप नॉन साइक्लिक टर्शियरी अमीन है, ये तीनों टर्शियरी अमीन है। अब इसमें कौन ज्यादा बेसिक है? अगर इसको मैं वन बोलूं, इसको मैं टू बोलूं, इसको मैं थ्री बोलूं, बेटा लोग कभी ये ऑर्डर लगवाना किसी, है ना, तो मेरी याद जरूर आएगी, ठीक। बेटा देखो, याद रखना, साइक्लिक के मुकाबले नॉन साइक्लिक इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, तो थ्री ज्यादा रहेगा, ये क्लोर क्लियर है। क्यों? क्योंकि जब साइक्लिक एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है ना बेटा, उसके बाद रिंग में एंगल का स्ट्रेन आ जाता है, रिंग में एंगल का स्ट्रेन आ जाता है। एंगल स्ट्रेन के चलते, एंगल स्ट्रेन आगे पढ़ेंगे बेटे, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल के लिए अभी समझ लो कि जब ये एच एक्सेप्ट करता है, मैं बता देता हूं ऐसा भी क्या है, पर टाइम कम है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये एच को एक्सेप्ट करेगा तो बेटा एच यहां आएगा तो हमारे पास किस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, प्लीज सी दिस। तो नाइट्रोजन अब sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, कैसा? sp3, उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5, बट यहां तो ऐसा नहीं है, बॉन्ड एंगल उससे ज्यादा है, तो एंगल का स्ट्रेन होता है बेटे, उस एंगल स्ट्रेन से इतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये ए साइक्लिक जिसमें साइकिल नहीं है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, इन दोनों में साइकिल है। ऐसे में बाईसाइक्लो इज मोर देन दैट ऑफ सिंगल साइक्लिक, बाईसाइक्लो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है ड्यू टू इसके पास होने की वजह से, ठीक। और भी लॉजिक होते हैं जो आगे पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक, ब्रेड सूल वगैरह पढ़ाएंगे आगे, ठीक। खैर अभी के लिए बोल सकता हूं कि टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर स्केन, ये मतलब सॉरी नॉन साइक्लिक सबसे ज्यादा, फिर बाईसाइक्लो और फिर मोनोसाइक्लिक है, तीनों टर्शियरी, ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है। एक लास्ट कहानी, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता, एक ये ठीक, और एक ये, अब इसमें देखो भाई, ये स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस विच इज दिस, क्यों बेटा? यहां नाइट्रोजन sp3 है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहां नाइट्रोजन sp3 है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, बट यहां नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2 है बेटा। मोर इज द एस कनेक्टर, स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
तो यहाँ एस करेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर मोर टाइटली हेल्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रॉन्गली पकड़े जाएंगे, देने मुश्किल होंगे, इसलिए ये आसानी से नहीं देगा। ये दोनों sp है, दोनों sp3 है, दोनों का एस करेक्टर बराबर, लेकिन यहां ऑक्सीजन का माइनस आई है, यहां तो नहीं है, इसलिए स्ट्रॉन्गर बेस, ये वीकर और ये वीकेस्ट। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, रिलीजिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। रेस्ट इन द नेक्स्ट, क्लियर? नेक्स्ट क्लास 5 बजे से होगी, अब वी विल बी बैक टू द प्लांट्स। 5 बजे से, अब आपको 5 बजे से क्लास लगानी है, 5 से 6:30, ताकि हमारा टाइम कंप्लीट हो सके, ठीक? अभी थोड़ा सा ये 2 दिन का काम मैंने 3 दिन में करवाया, पर चलो ठीक। अब हम मिलेंगे आपको परसों 5:00, माइंड इट, 5:00। थैंक्स लॉट, नोट करना है।